नेशनल पार्टी की सहूलतें आपको महाराष्ट्र में भी बगैर कमाए हुए हाथी का निशान मिल सकता है। दूसरे लोगों ने कमाया है और आपको ये मुफ्त में मिल गया है, इसलिए आप इसका इस्तेमाल करके अपनी मूवमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं जिन लोगों को मूवमेंट में दिलचस्पी है। मैं फिर कहता हूं कि जिनको दिलचस्पी है उनको ही हमारे साथ आना चाहिए, ऐसे भीड़ इकट्ठी करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। भीड़ इकट्ठी करने का इरादा नहीं है, जिन लोगों को इस मूवमेंट में आस्था है, जिन लोगों को फेथ है इस मूवमेंट में, उन लोगों को ही हमारे साथ आना चाहिए। क्योंकि अगर आप लोगों को हम एमएलए एमपी ना बना सके तो फिर आप इधर उधर भागेंगे, कभी गांधी के पास जाएंगे, कभी वीपी सिंह के पास जाएंगे और कभी गुरु गोलवालकर के पास जाएंगे। गुरु गोलवालकर तो मेरा ख्याल है नहीं, अभी एक और कोई गुरु तो होगा, नागपुर में तो गुरु होते हैं मेरा ख्याल। तो इसलिए आप लोग को, जिन लोगों को इसमें आस्था है, जिन लोगों में इस मूवमेंट के ऊपर विश्वास है और इस मूवमेंट को, इस कारवां को हमें मंजिल तक पहुंचाना है, जो इस जिम्मेवारी को समझते हैं, उन लोगों से मैं अपील करूंगा कि वो लोग नीला झंडा और हाथी निशान को अपनाएं। मैं आपको कहता हूं कि झूठ मूठ खाना छोड़ो, अपने बलबूते पर ये सब कुछ हासिल कर सकते हैं, जिस तरह से हम उत्तर भारत में कर सकते हैं महाराष्ट्र में भी कर सकते हैं। इसलिए साथियों, कांग्रेस पार्टी ने जब बाबा साहब अम्बेडकर की चलाई हुई मूवमेंट को तहस नहस किया, उसको तबाह किया और महाराष्ट्र में उनके साथ युति की कि 520 सीटें गांधी लड़ेगा और एक अम्बेडकर लड़ेगा, तो वह हमें पसंद नहीं आया, इसलिए हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी को सजा दी है। हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी को सजा दी है। आज कांग्रेस पार्टी अगर नीचे को जाती हुई नजर आती है तो उसका कारण बहुजन समाज पार्टी है। कांग्रेस खुद जानती है, कहती है, और मेरा ख्याल है कि मनुवादी मीडिया भी आपको बताता होगा कि कांग्रेस पार्टी नीचे को अपने आप नहीं गई है, कांग्रेस पार्टी नीचे को बहुजन समाज पार्टी के कारण गई है। लेकिन एक मुसीबत टली, दूसरी मुसीबत खड़ी हो गई। कांग्रेस नीचे को गई और बीजेपी ऊपर को आ गई। बीजेपी अगर ऊपर को आई है तो वो बीएसपी के कारण आई है। कारण क्या है कि हम लोगों ने कांग्रेस को नीचे गिराया। हम तो, हमारे पास तो साधन नहीं थे, हम अपने आप ऊंचा नहीं उठ सके, हम तो थोड़ा उठे लेकिन बीजेपी ज्यादा उठ गई। बीजेपी ज्यादा उठ गई और ज्यादा उठने के बाद उसका दिमाग खराब हो गया। जैसे पहले कांग्रेस का दिमाग खराब होता था, बीजेपी सबसे ज्यादा चुनाव से भाग रही है। क्यों भाग रही है? क्योंकि बीजेपी को लगता है कि कांशीराम और उसकी पार्टी ने हमें नंगा कर दिया है, अब पता नहीं और कितना नंगा कर देंगे, शायद चड्डी भी खोल देंगे, क्योंकि बीजेपी चड्डी वालों की पार्टी है। चड्डी क्या है?